तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा तब एक तरफ समय के मारे थे, हर समर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे, कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, पांच जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडियों पर रख बाणों को, प्रतिंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया, बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं, इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको बोध खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भर कर गांडीव हाथ से छोड़ दिया, कि गांडीव हाथ से जब झूठा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, नजर में रणभूमि के कनकन डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, ए पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो दोषी, वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहु को नगन देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है, हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन, हे पार्थ मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं, इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता मह मुस्काए हैं, अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते, पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस क्रम में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तीर्थ साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं, तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो, ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है।